मेरे बारे में कुछ एक आज फिल्में हैं जो आज जैसे अरबाज खान, वो तो क्योंकि बाजू में बैठे थे तो लोग बोलेंगे अभी इन्फ्लुएंस किया, एक रोहित शेट्टी बाजू में बैठे थे तो आपको वो मिल गई बोल बच्चन, अभी अरबाज खान बैठे तो आपको मिल गई है उनकी डॉली की डोली में, गेस्ट अपीयरेंस है, सो आई एम प्लेइंग वन ऑफ द वेरी नाइस क्यूट रोल्स और मैं फॉरगॉटन दिया करता हूँ। कॉमेडी सर्कस अभी वापस तो नहीं आ रहा है लेकिन कोई और कॉमेडी शो होगा तो होपफुली मुझे याद करेंगे, बहुत मज़ा आया कॉमेडी सर्कस 7 साल करते हुए और थोड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है कि कॉमेडी से थोड़ा भी दूर होना चाहिए बिकॉज जब आप एक चीज़ में घुसे रहते हैं आप सीखते नहीं हैं, अब थोड़ा बाहर आकर थोड़ी और परफॉर्मेंसेस करके थोड़ा कुछ पढ़ के देख कर ट्रैवल करके थोड़ा और जो आपको जो एक्सपीरियंसेस चाहिए टू ग्रो एज एन एक्टर टू ग्रो एज अ परफॉर्मर वो अब मैं महसूस और मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। हो ही नहीं सकता है, जो करना ही नहीं है। थैंक यू सर। यस आज की जनरेशन की जितनी तारीफ की बहुत कम है और आज की जनरेशन में एक नई एनर्जी है, एक नया जोश है और आज की जनरेशन बहुत एडवांस है, जो हम सोचते हम जहां सोचते हैं उससे भी ज़्यादा उनकी सोच है और आज की जनरेशन बहुत एडवांस है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आई थिंक सो मुझे लगता है कि ये लोग और भी अच्छे काम करेंगे और हमारी टीम और हम हमेशा इनके साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। एज ए डायरेक्टर में अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें टेक्निकली चीज़ें मैंने जो देखा मैंने वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत कुछ होती है, अब जब इंसान फर्स्ट टाइम कोई काम करता है तो थोड़ा बहुत कमी होती है लेकिन हम उस कमी को इग्नोर करते हैं, उनको इंक्रेज करते हैं और उनको इंक्रेज करके आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं ताकि आगे बढ़े अपने फील्ड में और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें और हमेशा हमारी टीम हमेशा उनके साथ में, हम भी उनके साथ में और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। या हमेशा बहुत सारे ऐसे मैंने देखा वीडियो देखे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टैलेंटेड हैं और वो इन फ्यूचर के बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े मेकर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और इंशाल्लाह हम लोग ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देंगे, उनको ब्रेक देंगे, उनको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। वेलकम सी जी रागदा। या एक्चुअली आई एम बेसिकली फ्रॉम दी एक्टिंग बैकग्राउंड तो मुझे इसका इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट व्हाट आई फील लाइक आजकल लाइक इतना ज़्यादा स्कोप है स्टूडेंट्स के पास फॉर दी लाइक डायरेक्शन बैकग्राउंड के लिए भी, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, सो आई रियली फील लाइक इट्स वेरी गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, लाइक डायरेक्शन में भी इट्स गोइंग वेरी गुड। एक्चुअली मैंने वीडियोज़ नहीं देखे बट आई डोंट नो, सो बेसिकली आई डोंट नो अबाउट द वीडियोज़ क्या है, बट राइट नाउ मुझे जितना यहाँ आके पता चला दैट दी क्वालिटी वर्क दे आर डूइंग, सो इट्स वेरी गुड दैट हर स्टूडेंट को एक और मतलब बैकग्राउंड मिल रहा है इवन टू गो इन टू डायरेक्शन, देयर इज अ वेरी गुड। और आफ्टर ब्रेक हम लोग वीडियो देखेंगे और उसमें उसके बाद हम लोग आप कॉमेंट्स करेंगे और इन बच्चों ने आज के जो जनरेशन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और आई होप सो आगे भी मुझे उम्मीद है ये लोग इससे भी अच्छा काम करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, हम मैं और हमारी टीम इनके हमेशा साथ है और साथ रहेगी। वेलकम।